Music. He's telling you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want. Call me when you need. Call me in the morning. तो भाई लोग कैसे हो? हम लोग तो भाई आज की वीडियो होने वाली है सीसी पर, जिसका प्रीव्यू आपको मैंने दिखा दिया है। इसमें मैंने स्काई ग्लू अभी ऐड नहीं किया है, तो करना, पर ऐड करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने तो इस वीडियो में, तो वीडियो का अंत जरूर देखिए। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जो भी इस पे वही सीसी की थी। कुछ मालूम है? कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? थोड़ी सी कुछ खुद ट्राई की थी, थोड़ी सी यूट्यूब से देखी थी, तो ये सीसी बन गई, नतीजा निकल गया। अच्छा, तो वीडियो को तो जरूर देखना। और चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी बकवास के। वैसे मैं करना नहीं चाहता, अब आए ना लाइन पे, और जो आगे क्या कंटेंट बनाएं बता देना। और हाँ, इसका प्रीसेट भी चेप सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कैसे डाउनलोड करना है उसकी वीडियो मैं दे दूंगा बीच में, उसमें बताया हुआ है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पर एक क्लिप को इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पर इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे ऐड बट करने के बाद मेरे को सबसे पहले ऐड करना है वो है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट स्टैंडर्ड सेटिंग पे। स्टैंडर्ड सेटिंग में रखने के बाद मेरे को ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की जो मतलब की ब्राइटनेस है वो करनी है -10, और कंट्रास्ट जो है उसको करना है -3 या 3 काफ़ी लग रहा है मेरे को, तो ये हाँ इतना 5 कर देता हूँ। इसके बाद मैंने फिर से ऐड इफेक्ट में जाना है। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद एक्सपोजर एंड गामा पे जाना है। एक्सपोजर एंड गामा पे जाने के बाद आपको एक्सपोजर की जो वैल्यू है वो रखनी है 20 के नियर अबाउट रख लेना, या 22 जैसे भी, मतलब अपने क्लिप के हिसाब से थोड़ा सा रख लेना। तो मेरे को यही अच्छी लग रही है। और यहाँ पर गामा पे 0.920 कर देनी है, और ऑफसेट पे प्लस पे जाके यहाँ पर जाके 0.07 रख देनी है। उसके बाद जाके आपको क्या करना है, फिर से जाना है इफेक्ट्स वाले पैनल पे, और यहाँ पर करना है स्पॉट कलर। मेरा जो ऑटो करेक्ट है वो मत देखना, चलिए स्पोर्ट कलर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कलर सेलेक्ट करना है जो कि होगा ऑरेंज। तो ऑरेंज सेलेक्ट करने के बाद थ्रेशोल्ड को आप करना है 200, फैदर को कर देना है आपने बिल्कुल 0, मतलब कि 0 शून्य। शून्य करने के बाद आपको करना क्या है, चौक पे है, चौक पे करना है आपको चौक को 3 पॉइंट। चौक का मतलब कि जो अमाउंट होता है वो आप अपने हिसाब से क्लिप की जो ग्लो देख रहे होगे, जैसे कि ऑरेंज पत्थर थे नीचे क्या कहते हैं चट्टाने थे उस पर थोड़ा ग्लो आ गया है, और ऊपर वाला स्काई जो है डार्क और मतलब कि सैचुरेशन के बिना हो चुका है, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ऐसा कुछ बन जाएगा और अपने हिसाब से देख लेना। और यहाँ पर मैंने तो थोड़ा सा कल से चेटर करने की कोशिश की थी, मैंने कुछ अलग बन जाए, पर चलो कुछ अलग तो बना नहीं फिलहाल। तो अरे गबू भाई का भी मैसेज आ गया, चलो तो चलो खैर यही सेटिंग रखने के बाद आपको करना क्या, फिर से इफेक्ट वाले पैनल पर आना। मैं तो इफेक्ट वाला पैनल बोल देता हूँ। ऐड इफेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक और इफेक्ट जो है वो ऐड करना है, उसका नाम है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा दें, अगर कम करनी है तो कम कर लें। क्लिप जैसे भी आपने, मैं थोड़ा सा ग्लो रखा था थोड़ा सा, तो ग्लो के कारण ये दिख रही है ऐसी। वैसे तो फ्लिकर भी लगाया था मैंने, फ्लिकर हटा के करोगे तो पूरी सेम टू सेम सीसी लगेगी, फ्लिकर लगा के करो थोड़ी सी अलग डल सी लगेगी। उसके बाद आपको करना है विजनाइट भी करना है, सैचुरेशन आगे बढ़ानी थी अपने हिसाब से, और वाइब्रेंस को 0 करना था। और यहाँ पर विजनाइट का साइज़ था वो रखना था आपको 97.5, राउंडनेस रखनी थी 117, और फैदर जो कुछ छेड़छाड़ वैसे करने की जरूरत तो है नहीं पर कर देते हैं, हमने पूरे 1000 कर लिए, मतलब कि 1.000 कर लिया। हाँ तो भाई आपको करना क्या, इसके बाद आपको यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेयर करनी है। ऊपर लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इसका जो इफेक्ट है ब्राइटनेस कंट्रास्ट वो उड़ा देना है, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस को उड़ा देना है, और जो स्पॉट कलर है उसको नहीं उड़ाना है, और ना विजनाइट को, मैं गलती से उड़ा देता हूँ स्पॉट कलर को, बारे में लगा देंगे। तो यहाँ पर इफेक्ट पहले पे आ गए, आपको मैं करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक्सपोजर को जो है अपने क्लिप के हिसाब से ज़्यादा कर दूंगा, मतलब 2 कर दूंगा पूरा, यहाँ इतना तो अच्छा नहीं लग रहा पर मैं 2 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ गामा है, जो गामा को मैं डिक्रीज़ कर दूंगा जिसमें स्काई ग्लो टाइप इफेक्ट आ जाएगा, और ऑफसेट को भी थोड़ा सा कम कर देंगे, 0.59590 रखा है और उसको 0.9 रखा है कुछ 0.9। तो यहाँ पर गोशन ब्लेड ऐड करना है, गोशन ब्लेड करना जब ऐड आपने, आपको उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 750 के नियर। उसके बाद आपको ये ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाके कलर डोज करना, तो ये देख लिए कुछ ऐसा इफेक्ट दिख रहा है। बाद में मेरे को याद आया मैंने स्पोर्ट कलर तो हटा ही दिया, तो स्पोर्ट कलर लगाते ही ये मेरा जो सीसी का इफेक्ट था वो पूरा आ गया वापस, तो स्पोर्ट कलर को नहीं उड़ाना इसी कारण मैंने गलती उड़ा दिया था। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी है जिससे आपका ग्लो लगेगा, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर ग्लो गामा के साथ छेड़छाड़ करता हूँ। तो बस यार ये सीसी थी, इसके अलावा अगर स्काई ग्लो चाहिए तो ये देख रहे हो आप बन जाता है स्काई ग्लो ऐसे ही, तो करना को ट्राई। इसके अलावा फ्लिकर जो मैंने ऐड किया था वो आप ऊपर वाली लेयर पर ऐड कर सकते हो, वैसे तो ज़रूरी नहीं है पर करना हो तो भाई कर लेना, मेरी तो ये नॉर्मल सीसी थी। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय श्री राम।